राजस्थान। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा व टीकाराम जूली और सचिन पायलट मौजूद रहे। इससे पहले राजस्थान विधानसभा में सोनिया गांधी विधायकों से मिली, ना पक्ष लोबी में विधायकों के साथ बैठक की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का स्वागत किया गया। विधानसभा की ना पक्ष लोबी में सोनिया गांधी का स्वागत किया और कांग्रेस के नेता और विधायकों ने स्वागत किया। स्वागत भाषण में पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे व दिल्ली से चार्टर विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। केलवाड़ा में आज फाल्गुन माह की सप्तमी तिथि को माता शबरी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संत श्री रामदास महाराज और संत मूना महाराज व मांगीलाल गोड रहे। विधिवत रूप से शबरी माता की पूजा की गई। वहीं कहते हैं कि त्रेता युग में आज के दिन भगवान राम ने मां शबरी को दर्शन दिए थे और उनके जूठे बैर खाए थे। ये देखकर लक्ष्मण भगवान भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस वजह से इस दिन भगवान और भक्त की एक साथ पूजा होती है। झालावाड़ से खबर, जहां राजस्थान जिले के मनोहर झालावाड़ कस्बे में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय दीनी तबलीगी इजिज़दा का दुआ के साथ आज समापन। उम्मीद से ज्यादा लोगों ने दुआ में शिरकत कर हजारों लोगों ने एक साथ मुल्क में अमन, चैन और सुकून और भाईचारे की दुआ मांगी। उलमाओं ने मानव जाति के साथ अच्छा व्यवहार करने और नेकी की राह पर चलने का संदेश दिया। झालावाड़ से खबर, जहां राजस्थान महिलाओं व किशोरियों को पैड वितरित ओएल व प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन व स्टार वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया। वहीं शाकिबा जी ने अपने नैपकिन को उपयोग लेने के फायदे बताए। महिलाओं व किशोरियों को स्वच्छता व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। शिविर में स्टार वेलफेयर सोसाइटी फाउंडर शिबा खान ने कहा कि मासिक पीरियड के समय स्वच्छता बनाए रखें व पैड का इस्तेमाल करें। ऊपर से खबर, जहां सुरसागर पुलिस थाना क्षेत्र के कबीर नगर में एक फॉर्म और गत्ते बनाने के गोदाम में मंगलवार की शाम लगी आग ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के फायर ब्रिगेड की लगभग एक दर्जन गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची, लेकिन आग बढ़ती रही और उसके पास स्थित 4-5 गोदामों को भी चपेट में ले लिया। 8 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर आज काबू पाया जा सका है। आग विकरालता को देखते हुए आसपास के रहवासी और क्षेत्र में खतरा देखते हुए वहां की बिजली भी काटनी पड़ी। खबर देशनोक से, जहां नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा की अध्यक्षता में 2024-25 के लिए बजट बैठक का आयोजन किया, जिसमें कुल 2125.83 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां व 983.10 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियों के साथ 3108.93 लाख रुपए राजस्व का बजट प्रस्तुत किया। सभा के दौरान पार्षद सीतादान चारण ने बताया कि मुझे तो विकास कहीं नहीं दिख रहा। उन्होंने मुख्य मार्ग सिविल लाइन सहित कई मुद्दे उठाए। आबू रोड से खबर, जहां शहर के गांधीनगर क्षेत्र में आबू नीचेहर माता के बसंत पंचमी के अवसर पर वार्षिक उत्सव की पूर्व संध्या पर विशाल गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया। चेहर माता मंदिर के भोपाजी जगदीश परिहार ने बताया कि माताजी मंदिर के परिसर प्रांगण में आबू रोड शहर के व आसपास क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में महिलाओं ने भक्ति रस में डूबे गीतों पर गरबा नृत्य कर चेहर माता की आराधना की। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान।